ये जा रहे हैं शंग्रेला व्यू पॉइंट पे। शंग्रेला रिजॉर्ट पर जाने के लिए टिकट है 1001 पर्सन के लिए। ये जी मेन गेट है शंग्रेला रिजॉर्ट का। यहाँ दाखिल होने के बाद आपको हर तरफ फूल और ग्रीनरी नज़र आएगी और बहुत सारे फलदार दरख्त आपको नज़र आएंगे। मेन स्कर्दू सिटी की निस्बत यहाँ पे मौसम काफ़ी खुशगवार है। सर्दी इतनी ज़्यादा तो नहीं है मगर बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती हुसन से बहुत ज़्यादा मालामाल किया हुआ है, जिसकी जिंदा मिसाल तो बिल्कुल आपके सामने माशाल्लाह नज़ारा चेक करें। हर साल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से लोग आते हैं और पाकिस्तान की इस खूबसूरती का नज़ारा करते हैं, और सियाहत की वजह से ही किसी मुल्क की आर्मी में पहचान बहुत अच्छी बनती है। ये जी मेन मेड है, अगर आप ड्रोन से देखेंगे इस वक्त आपको हार्ट की शेप नज़र आएगी। और यहाँ पे कमरों के इतने ज़्यादा रेट हैं कि आम बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और ज़ाहिर है उसके चार्जेस तो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। थोड़ी सब भी बन रही है। सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएंगे जो कि आपको किसी किस्म का फल भी नहीं तोड़ने देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या खैरियत है? कुछ दोस्त जो हमारे हमसे कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँच गए थे वो ऊपर गए हुए हैं, तो हम उनको मिलने जा रहे हैं। और हमें किसी ने बताया कि इस तरफ उन्होंने मारखोर वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो भी देखेंगे और दोस्तों को मिलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे शंग्रेला व्यू पॉइंट पे।
बोला रिसेप्शन, रिसेप्शन के पीछे मार्को है। चलो भाई मार्को देख, ये इधर हम ऊपर आए हैं देखने के लिए मारखोर। ये देखें ये पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, और ये हमारा जानवर है। ये जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, शंगरेला व्यू पॉइंट पे। ये हेलीपैड बनवाया इधर। ये जा रहे हैं शंगरेला व्यू पॉइंट पे और सांस फूल गया, मगर हिम्मत नहीं हारनी, जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे। ये हम पहुंच आए हैं जी शंगरेला व्यू पॉइंट पे, और अभी अली भाई आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। अली भाई दिखाएं। फोन चेक करो भाई जी, जे तुसी देखियो बगैर टुर जांदे।
शंगरेला रिजॉर्ट के मालिक हैं, उनके वालदा और वालद की कब्रें हैं। ये इन्होंने बिल्कुल टॉप पे बनाई हुई हैं दो कब्रें।